एक वह समय था जब चिट्ठियों में अपनों का प्रेम, गांव की मीठी सुगंध और मधुर स्मृतियां भरी रहती थी। जब भी इन पत्रों को पढ़ते तो बातें और यादें दोनों ही हृदय को आनंद से भर देती थीं। लेकिन बीते कुछ सालों में मोबाइल के चलन और सोशल मीडिया की वजह से चिट्ठी को लोग एक तरह से भूल गए हैं। लेकिन एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पोस्ट कार्डों का अनोखा और दुर्लभ संग्रह कर रखा है। उनके संग्रहालय में राजवंशों के 100 साल से अधिक पुराने पोस्ट कार्ड रखे हुए हैं। दरअसल सागर के अहमदनगर में रहने वाले दामोदर अग्निहोत्री को पुरानी संस्कृति से जुड़ी चीज़ों का संग्रह करने का गजब जुनून सवार है, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और इसी शौक के चलते उन्होंने अपने बुंदेली म्यूजियम में दशकों पुराने पोस्ट कार्ड यानी डाक पत्रों को संग्रहित करके रखा है, जिन्हें को बुंदेलखंड में चिट्ठी भी कहा जाता है। तो पोस्ट कार्ड कहते हैं, तो ये हमारे पास 1899 से डाक पत्र हैं। कुछ हमारे यहाँ सब रखे हुए हैं क्योंकि डिस्प्ले के लिए यहाँ पूरी पर्याप्त जगह नहीं है। हमारे पास करीब 60-70 ऐसे पोस्ट कार्ड डाक पत्र हमारे पास कलेक्शन में हैं। तो ये 1899 से पोस्ट पत्र हमने लगा रखे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस समय का लोक जीवन जैसा था, उनका चित्रण भी इन पत्रों में, जो अपने संबंधियों के लिए, अपने परिचितों के लिए, मित्रों के लिए जो पत्र लिखे हैं, उनमें उस समय की उनकी जीवन शैली का भी और उस समय के जीवन दर्शन का भी एक इसमें चित्रण हमें पढ़ने के लिए मिलता है। कि और हमने बहुत सी चीज़ें इसमें पत्रों में हमने ऊपर लिख भी दी हैं कि इस पत्र से हमें क्या सीख मिल रही है। जैसे किसी एक में लिखा है कि बड़ों के प्रति आदर और अपनी गलती स्वीकार करने की सीख। तो इसमें ऐसा लिखा गया है कि हमसे लग रहा है कि हमसे कुछ गलती हो गई हो और कुछ ऐसी गलती हो तो आप बताइएगा, यदि कुछ हमारी गलती है तो हम उसमें सुधार करेंगे। तो ऐसे विभिन्न पत्रों में जो है सामाजिक प्रेम और भाईचारे की सीख, प्रकृति प्रेम और संयुक्त परिवार परंपरा की सीख, तो ऐसी विविध प्रकार के पत्रों में, विभिन्न पत्रों में जो है इस तरह की हमें प्रेरक सीख भी इन पत्रों के माध्यम से मिल रही है। तो ये कलेक्शन भी आप यहाँ देख सकते हैं।